हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। कई बार कमेंट आता है कि जो मार्कशीट बनाने की वीडियो आपने डाली है उसमें हमें दिक्कत आ रही है, कभी पैरामीटर वैल्यू नहीं सही से वहां पे एंटर हो रहा है, कभी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उसको लेकर के और खासतौर पर कंफ्यूजन बरकरार रहती है जब 2021 की बात हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 की और फिर 2007 की बात हो, ठीक है। तो दोनों ही पे लेके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं, एक्सेस, ठीक है। तो ये 2007 है, पहले हम 2007 की ही बात करेंगे। तो ये 2007 ओपन है, आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल भी जाता है। तो यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया डेटाबेस का नाम आ जाता है। आप चाहते इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन है .accdb, ठीक है। यहाँ से क्रिएट पे करना है क्लिक, जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं ये सिनेरियो आता है। फिर यहाँ से जाना है आपको व्यू पर, फिर डिजाइन व्यू पर जाना है। और डिजाइन व्यू पे जैसे ही जाते हैं तो इस टेबल को नाम दे देता हूं मैं मार्कशीट, ठीक है। तो ये मार्कशीट नाम दे दिया और यहाँ से ओके किया। अब मान लीजिए यहाँ पर तो आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है। तो रोल अंडरस्कोर नंबर रख दिया, ठीक है। और रोल नंबर रखने के बाद यहाँ पे ऑटो नंबर रहने देते हैं, ये देख सकते हैं डेटा टाइप है, इसे मैंने ऑटो नंबर ही रहने दिया, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे। मार्कशीट डिजाइन करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंप्यूटर, यहाँ पे हो गया इंग्लिश, तो कुछ सब्जेक्ट के नाम मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर यहाँ पे हिंदी कर देते हैं, फिर यहाँ पे साइंस कर देते हैं, SCIENCE साइंस हो गया। फिर यहाँ पे SST कर देते हैं, SST, तो ये हो गया SST। और फिर ये हो गया, पांच सब्जेक्ट हो गए, तो बस इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पे टोटल करेंगे हम, टोटल क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल कर सकते हैं आप। तो ये टोटल आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप क्वेरी में जाकर टोटल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको क्वेरी बनानी ही पड़ेगी। और एक चीज और ध्यान देनी है, ये जो भी कंप्यूटर में आप मार्क्स पाएंगे वो टेक्स्ट तो होगा नहीं, वो तो नंबर होगा। तो यहाँ से इसे नंबर डेटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डेटा टाइप में, नंबर डेटा टाइप में इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा और फिर यहाँ से नंबर, और यहाँ पे सबको नंबर बना लेने के बाद यहाँ से अब व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सिनेरियो आपका ऐसा। अब यहाँ पर जो चीजें ना दिखाई दे रही है उनको यहाँ से ड्रैग करके आप बढ़ा लीजिएगा तो ये दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम मान लीजिए राम है, और यहाँ पे 56 मार्क्स इन्होंने गेन किए, 88 इसमें गेन किए, 77 इसमें आया, 56 इसमें आया, 45 इस पे आया, ऐसे करके इनको मार्क्स मिल गए। इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का नाम है गौरव, यहाँ पे इनको भी मार्क्स मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जो भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे सचिन, यहाँ पे डाल दिया एक और नाम, और यहाँ पे इनको भी जो मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ पे एंटर करते जाइए, ठीक है। और फिर इसी तरीके से राघव एक और स्टूडेंट का नाम आ गया, तो ये कर दिया। यहाँ पर देखिए ये 44 होगा, 55 होगा, 55, 45। तो यहाँ 4 स्टूडेंट के मार्क्स हमने एंटर कर दिए, लेकिन टोटल यहाँ पे हुआ नहीं है। तो टोटल करने के लिए आपको 2007 में कहाँ जाना होगा, क्वेरी बनानी होगी। कैसे क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी बनाने के लिए आपको क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाना है। और जैसे क्वेरी डिजाइन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऐसा नजर आएगा, तो मार्कशीट यहाँ पे ले लीजिएगा। और ये जितने भी फील्ड्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, अब आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों फील्ड को यहाँ पर ऊपर ये जो हेडिंग है ना इस पर टिक क्लिक करिएगा और यहाँ से ड्रैग करवा के यहाँ पे ला के रख दीजिएगा। तो ये काम हो गया है। अब यहाँ पर एक फील्ड का नाम देना है टोटल, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आप फील्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल मेंशन कर दिया नाम हमने, और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन देख सकते हैं किस तरीके से लगाया मैंने, इसे मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी से आप देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से किया है, देख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। इस फील्ड को नाम मैंने दे दिया टोटल, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पर पहले सब्जेक्ट का नाम आएगा कंप्यूटर, ठीक है। ये पहला सब्जेक्ट हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ इंग्लिश कर दिया, ENGLISH, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है। फिर तीसरा सब्जेक्ट आएगा तो तीसरा सब्जेक्ट हो गया हिंदी, HINDI, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, चौथा सब्जेक्ट साइंस, SCIENCE साइंस हो गया। और फिर पांचवा सब्जेक्ट है SST, तो प्लस करके SST, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा, तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लिखना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और कैपिटल स्मॉल का भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पर हो गया ये, अब यहाँ से ओके कर दीजिए। तो एक काम तो हो गया, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, लेकिन इसका एवरेज भी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AVERAGE, एवरेज, ठीक है।
तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज छिपा होगा हमारा टोटल के ही अंदर। तो ये टोटल लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन लगाया, और कितने सब्जेक्ट है, फाइव है, तो फाइव से इसे डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ग्रेड भी कैलकुलेट करना हुआ, तो ग्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो एवरेज हो गया, यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, ग्रेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेड के लिए जी आर ए डी ई ग्रेड, अब ग्रेड के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, वो क्राइटेरिया अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आई इफ लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे, आई इफ लगाएंगे, ठीक है, और एवरेज के बेस पे हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85, एस ग्रेड, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रेड एस दे दिया हमने, आई इफ लगाया, फिर यहाँ लिखेंगे एवरेज। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एवरेज लिखिएगा तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, बाकी तो हो जाएगा। एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, ए ग्रेड आ जाए, फिर यहाँ पे कॉमा दीजिए, आई इफ लगाना है, इफ ना लगाइएगा, इफ लगाइएगा तो नहीं होगा, यहाँ पर आई इफ ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहेंगे, तो यहाँ 75 तक आ चुके हैं, आप 65 कर देंगे, तो ऐसे में बी ग्रेड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे आई इफ, और फिर यहाँ पे एवरेज ए वी ई आर ए जी ई, तो एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 55 कॉमा, तो कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पर ग्रेड आएगा आपका सी ग्रेड। ठीक है, तो ये सी कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, आई इफ लगाएंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे 50 कर देंगे, और यहाँ पे ग्रेड आएगा डी ग्रेड, और लास्ट में दो कंडीशन होती है, तो अगर इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो वो बच्चा फेल हो जाए। तो ये इस तरीके से हमने दे दिया है। अब जितने इफ लगाए थे हमने उस हिसाब से यहाँ पे क्लोज करके और यहाँ से ओके करिएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ये हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया है, बाकी तो सब सही है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेड भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। तो ये तो क्वेरी के थ्रू हमने बना दिया है, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आपको 2021 में करनी हो तो वहां आपको क्वेरी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्यू कर देता हूँ, स्टूडेंट क्वेरी, स्टूडेंट क्यू कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर यही बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 की, तो उसमें किस तरीके से ये काम कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने अभी फॉर्म नहीं क्रिएट किया, तो यहां पर डायरेक्ट आते हैं और इसको पहले क्लोज कर देते हैं, यहां पे मिनिमाइज कर देता हूं, और यहां से अब एक्सेस 2021 की बात कर लेते हैं। तो यही एक्सेस 2021 में करना होगा आपको, तो ये बहुत आसानी से कर लेंगे आप। यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, जब ये आएगा तो क्या करना है, इस तरीके से जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर अब व्यू पे जाना है और ये डिजाइन व्यू पे जाना है, और यहाँ पर मार्कशीट के नाम से इसे कर देता हूँ, मार्कशीट ये कर दिया मार्कशीट, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर देना है, जैसे वहां पे दिया था बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी रोल नंबर हो गया, और यहाँ पे ऑटो नंबर रखते हैं रोल नंबर को, और आर कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ से आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, और नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी जो भी है वो देते चले जाइए, कंप्यूटर हो गया, फिर यहाँ इंग्लिश हो जाएगा ई एन जी एल आई एस एच, फिर यहाँ हिंदी हो जाएगा, ठीक है, एच आई एन डी आई, ठीक है, और फिर यहाँ पे एस एस टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी पांच सब्जेक्ट हमें करने हैं तो जो भी सब्जेक्ट है उनके नाम यहाँ पर आप देते जाइए। ठीक है, और यहाँ पे मैथ हो जाएगा, तो ये हमने कर दिया, या साइंस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पांच सब्जेक्ट यहाँ भी कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबको नंबर बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे नंबर बना लीजिएगा आप। ठीक है, ये नंबर बना लिया, और नंबर बना करके ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी करना है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे टोटल यहीं पे हो जाएगा, ये देखिए ये हुआ ना टोटल, और टोटल करके यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेटेड फील्ड है यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अब हम टोटल करेंगे। तो टोटल कैसे करेंगे, तो टोटल करने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कंप्यूटर को लिखना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये लिख लिया कंप्यूटर, प्लस का निशान लगाएंगे, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच, तो ये हो गया इंग्लिश, प्लस का निशान लगाएंगे, तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी एच आई एन डी आई हिंदी हो जाएगा, और चौथा जो सब्जेक्ट है वो है एस एस टी, तो ये एस एस टी हो जाएगा, और पांचवा जो सब्जेक्ट है उसका भी नाम लिख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्लोज जरूर कर दीजिएगा, तो यहाँ से एस एस टी के बाद मैथ्स आ जाएगा, तो एम ए टी एच, ठीक है यही है ना, तो ये मैथ कर दिया और इसको बंद करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर जो भी आप डालेंगे अपने आप नंबर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे
जैसे मान लीजिए यहां पे डाल दिया मैंने राम आर ए एम राम, ठीक है, और यहां पे मार्क्स डाल दिया, जो भी मार्क्स आएंगे वो यहां पे डालते जाएंगे। और यहां देखिए टोटल भी अपने आप होता चला जा रहा है, देखिए यहां पे टोटल भी हो रहा है, ये देख सकते हैं टोटल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल कैलकुलेट हो रहा है, तो यहां पर एक और फील्ड क्यों ना बढ़ा लिया जाए नीचे, यहां पे एवरेज ए बी ई आर ए जी ई एवरेज करेंगे और एवरेज टोटल के ही बेस पे आएगा, तो यहां से कैलकुलेटेड वापस ले लेंगे। ये देखिए ये कैलकुलेटेड ले लिया हमने, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर टोटल के ही बेस पे हमारा आएगा, तो ये लिखा टोटल और टोटल को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल अपॉन क्या करेंगे, फाइव सब्जेक्ट है तो फाइव से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। काउंट करिए एक दो तीन चार पांच, पांच ही सब्जेक्ट है तो ये एवरेज हमारा आ जाएगा। इसके बाद ग्रेड की बात कर लेते हैं, तो वही सेम तरीका है ग्रेड में, ठीक है, वही चीज आप यहां पे कर लेंगे, ठीक है, जो वहां पे किया था 2007 में वही चीज आप यहां पर करेंगे। तो इफ लगाएंगे आई इफ, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहां लिखेंगे इफ एवरेज ए बी ई आर ए जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 करेंगे कॉमा डॉटेड कॉमा में लिखेंगे क्या एस ग्रेड, ये एस हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे आई इफ लगाएंगे फिर यहां पे ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस बार क्या करेंगे, इस बार करेंगे 75 कॉमा ए ग्रेड आ गया, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे और आई इफ लगाएंगे और आई इफ लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करेंगे इस बार कर देते हैं 65, तो कौन सा ग्रेड आएगा बी ग्रेड, ठीक है। फिर यहां आते हैं आई इफ लगाते हैं फिर यहां क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55, तो कौन सा ग्रेड सी ग्रेड, तो सी ग्रेड हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे आई इफ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर वही चीज, ठीक है, तो इस बार करेंगे 50 और कॉमा लगाएंगे तो ऐसे में डी ग्रेड आएगा और अगर कोई भी इनमें से कंडीशन फॉलो ना करे तो ये फेल्ड हो जाए। तो यहां पर इस तरीके से बना लीजिएगा और कितने इफ हैं काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच, तो पांच ब्रैकेट क्लोज होंगे, तो ये हो गया चार ये पांच, ठीक है, तो ये पांच ब्रैकेट क्लोज करके ओके करिए और यहां से व्यू पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ग्रेड भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये यहां से इसको हटाता हूँ, देखिए ये ग्रेड भी कैलकुलेट हो रहा है, आप जैसे ही यहाँ पे दूसरा नाम डालते हैं जैसे अवनीश डाल देते हैं तो ये ग्रेड भी कैलकुलेट करेगा, तो ये 66 55 77 66, तो देखिए ये ग्रेड भी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आप फॉर्म भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले चलते हैं हम कहां पर, वहां पर यानी 2007 पर, तो ये 2007 है हमारा और 2007 में हम फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए कहां जाएंगे, यहां से मोर फॉर्म पे जाएंगे, विजिट से जा सकते हैं आप, विजिट ये दिख रहा है तो ये इससे जा सकते हैं आप और जो क्वेरी बनाई उसी के आधार पर हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो ये ले लिया हमने सारा और कॉलमर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में किस फॉर्म में आप डेटा चाहते हैं वो देख लीजिएगा, जैसे टेबुलर या कॉलमर जो भी चाहते हो वो डेटा रख करके और आगे बढ़िएगा और जो भी आपको अच्छा लगता हो वो स्टाइल ले करके और यहाँ इसे एफ के नाम से सेव करिएगा और यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें आ चुकी है, अब यहाँ पर ये आपको रोल नंबर एक एक करके लेना होगा, यहाँ पे लेके जाइए ड्रैग करवाइए फिर यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट लेके आइए फिर यहाँ पर मार्क्स आएंगे लाइन से, ठीक है, तो कंप्यूटर का हो गया फिर इंग्लिश का हो गया फिर यहाँ हिंदी का होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर साइंस का होगा, ठीक है, ये साइंस हो गया फिर यहाँ एसएसटी का होगा ये एसएसटी हो गया फिर यहाँ टोटल लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल, आ रही बात समझ में, ये टोटल हो गया फिर यहाँ एवरेज हो गया फिर यहाँ पे ग्रेड हो गया ये ग्रेड हो जाएगा। और इतना सब होने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से व्यू पे जाना है और एक काम कर सकते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी शीट पे जाना है और प्रॉपर्टी शीट पे जाके इस फॉर्म के अंदर हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ फॉर्म आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं ऊपर कहीं फॉर्म आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये रहा, तो यहाँ से ये पॉपअप वगैरह यस कर लीजिएगा आप और बाकी सारी चीजें तो ठीक है, तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्म बन गया, देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्म बन चुका है और ये 2007 में बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना, आप इसको सेव कर लेंगे स्टूडेंट एफ के नाम से सेव करता हूँ। तो यह देखिए फॉर्म भी इसका मैंने बना दिया, ठीक है, और फॉर्म बनाने के बाद इसका रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम तरीका है सेम जाएंगे, लेकिन बस वहां पे कैलकुलेटेड फील्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको जिससे काफी ज्यादा आपको आसानी हो जाती है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे और रिपोर्ट विजिट पे जाएंगे, तो ये विजिट से जाएंगे और देखिए इस बार हम क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे तो उसके पहले एक क्वेरी बनाएंगे ताकि हम रोल नंबर के बेस पे रिपोर्ट डिजाइन कर सके। तो क्वेरी बनाने के लिए क्रिएट पे जाइए और फिर क्वेरी विजिट पे जाइए, तो विजिट से जाएंगे और ये सिंपल क्वेरी विजिट रखेंगे, तो ये सिंपल क्वेरी विजिट हो गया। और चूंकि हमें क्वेरी के ही बेस पे रिपोर्ट डिजाइन करनी है, ठीक है, क्वेरी के ही बेस पे हम क्या करेंगे रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, तो ये सारे फील्ड्स ले करके नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई डिजाइन करके और स्टूडेंट क्वेरी के नाम से इसे सेव रखते हैं
और यहां पर क्राइटेरिया में आ जाएंगे। क्राइटेरिया में जैसे ही आते हैं तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और हमें फॉर्म के अंदर देखना है FORM और यहां एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। और कौन से फॉर्म के अंदर देखना है तो स्टूडेंट F, तो जैसे लिखा गया स्टूडेंट F वैसे ही आप भी लिख दीजिएगा स्टूडेंट F और यहां पर एक्सक्लेमेशन लगा करके फिर यहां पर अब हम किसके बेस पे सर्च करेंगे तो रोल नंबर के बेस पे। तो जैसे रोल नंबर लिखा गया वैसे ही लिखेगा रोल अंडरस्कोर नंबर NUMBER रोल नंबर हो गया। और अब यहां से इसको सेव करना है तो ये सेव कर दिया हमने और सेव करके क्या करेंगे यहां से जाएंगे और इसको क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद क्या करेंगे क्लोज जैसे ही करेंगे तो अब हम रिपोर्ट डिजाइन कर पाएंगे स्टूडेंट क्वेरी के बेस पे। तो यहां क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद क्या करना है रिपोर्ट विजार्ड पे जाना है तो विजार्ड से जाएंगे। ठीक है ये ध्यान रखिएगा ये विजार्ड से आए और क्योंकि स्टूडेंट क्वेरी के बेस पे रिपोर्ट डिजाइन करना है तो ये स्टूडेंट क्वेरी ही हमें लेनी है और ये सारे फील्ड्स और यहां लेकर के रोल नंबर को हम इसमें प्रायोरिटी देंगे और यहां से नेक्स्ट करेंगे और इसे आउटलाइन रख लेते हैं और यहां नेक्स्ट करके और इसमें से जो भी ठीक लगे वो स्टाइल देख लीजिएगा आप कौन सा अच्छा लग रहा है आपको वो लेकर के यहां से नेक्स्ट करिएगा और यहां से मॉडिफाई कर दीजिएगा और यहां पे आर कर दीजिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट है तो यहां पे आर लिख देता हूं। ठीक है तो ये कर दिया नेक्स्ट कर दिया तो ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है और यहां ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड आ रहा है। ठीक है देख सकते हैं ना तो यहां से एग्जिस्टिंग फील्ड को आप ले सकते हैं। ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां से जाइए ये रोल नंबर हो गया यहां से ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। ठीक है और यहां से ये कंप्यूटर हो गया तो जो भी चाहिए वो लाइन से ले सकते हैं आप यहां पे ये इंग्लिश ठीक है ये हिंदी और आपको एक मार्कशीट प्रिपेयर होती हुई नजर आएगी। ठीक है ये हो गया फिर ये SST हो गया। ठीक है अब टोटल करना है तो टोटल को इस साइड लेके आते हैं इस साइड। ठीक है तो ये टोटल हो गया देखिए हो गया फिर यहां से एवरेज करेंगे ये एवरेज हो गया ये ग्रेड हो गया तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा ये। ठीक है अब इसमें क्या करना है हमको यहां से व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एंटर पैरामीटर वैल्यू मांगता है तो रोल नंबर की पैरामीटर वैल्यू यानी रोल नंबर 1 दे देते हैं हम। एंटर जैसे ही करेंगे तो रोल नंबर 1 का मार्कशीट आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये रोल नंबर 1 वाले की ही पूरी डिटेल आ रही है। ठीक है इसमें आप ब्लॉक्स आउटलाइन इस तरह की चीजें भी कर सकते हो यहां पर जैसे यहां पर आप इसको ये देखिए ये जो दिया है ना यहां पे जाकर के इसको मैं ब्लैक करता हूं और यहां से इस पे चलाएंगे तो ये एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आएगा। देखिए यहां पर अब गए ना तो यहां पर आए अब रोल नंबर 2 की डिटेल देखनी है तो देखिए 2 अब ये ब्लॉक में आ रहा है देख रहे हैं तो ब्लॉक बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। सेम यही काम आपको किस में करना है 2021 में करना है। ठीक है तो आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि कैसे ये करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।